झुंझुनू के खेतड़ी में शराब ठेकेदार यूनियन बैनर तले शराब ठेकेदारों का संयुक्त रूप से विभिन्न मांगों को लेकर छठे दिन भी देसी शराब गोदाम के सामने विरोध प्रदर्शन जारी। ठेकेदारों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ठेकेदार भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठेकेदारों ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग शराब वारंट की वादेता खत्म की जाए, बेसिक लाइसेंस फीस हटाई जाए तो सरकार से गुमराह कर। ठेकेदारों ने बताया 23 जिलों में ठेकेदारों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शराब ठेकेदार ने कहा है कि पहले से ही शराब ठेकेदारों के परिवार वालों के सामने भूखे मरने की नौबत आ रही है, अगर सरकार ने उनकी मांग जल्द नहीं मानी तो भूख हड़ताल पर बैठकर आंदोलन को तेज करेंगे। इस मौके पर विकास, अम्मीलाल, दुड़ाराम, सुमेर, हंसराज, सीताराम, विजय सिंह, कुलदीप, श्रवण, पृथ्वी सिंह, नत्थू सिंह, नवनीत, लिल्लू, विक्रम सिंह, सुनील पटवारी, यशपाल, मुखाराम, मुकेश, नरेश, लीलाधर सैनी, सुरेंद्र, अशोक, मोनू, रणजीत, जयराम, परशुराम, अनूप, संजय यादव आदि शराब ठेकेदार धरने में शामिल थे। छह दिन लगातार जारी है और आगे भी जब तक सरकार ने हमारी दो तीन मांगे हो नहीं मानेगी जब तक हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी पहली मांग तो है गारंटी की बाध्यता खत्म की जाए, एक बेसिक लाइसेंस फीस हटाई जाए और एक कंपोजिट फीस जो सरकार ने ले ली हमें गुमराह करके वो फीस वापस करी जाए। ठेकेदार बहुत कर्ज में डूब रहे हैं, इसीलिए मजबूर होकर आल राजस्थान के ठेकेदार करीब करीब आज 23 जिलों में पूर्णतः शराब का उठाव बंद है। हम भी आगे उठाव नहीं करेंगे और आगे सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठने को तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं। आज हमारा शराब यूनियन झुंझुनू की तरफ से खेतड़ी में धरना प्रदर्शन है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये लड़ाई अनिश्चितकालीन के लिए हम यहीं धरने पर बैठ के लड़ेंगे। इसके बाद हम भूख हड़ताल का भी भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम यहीं धरना देके भूख हड़ताल पर सब ठेकेदार एकजुट होकर माल का उठाव नहीं करेंगे, नहीं माल उठाने देंगे। सरकार हमारी मांगे माननी पड़ेंगी सरकार को।